हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर द थ्योरी ऑफ सो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि का क्या होता है तो यह है यह है तो जो जो वर्ड इसका वो सेंचुरी में हुआ था और ये लैटिन वर्ड एप्टियर से बना है जिसका मीन्स होता है फिट इन होना यानी कि एक चीज से दूसरी कंडीशन सिचुएशन में फिट इन हो जाना चेंज हो जाना तो यहाँ पर अडप्शन की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले समथिंग दैट इज अडेप्ट यानी कि कोई भी चीज इसे हम अडेप्ट कर रहे हैं स्पेशली मूवी बुक प्ले एक्सेट्रा दैट इज चेंज सो दैट इट कैन बी

कि वो एक नई कंडीशन में सूट हो जाए तो आई होप आपको अडैप्शन का मीन्स समझ में आ गया होगा अडैप्शन का मीन्स होता है कि किसी एक चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू हर यानी कि यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कहती हैं हर द फर्स्ट प्रस्पेक्टिव एडिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ अडेप्शन इज टू बीग सीन एज अ फॉर्मल इंटेंटिव और प्रोडक्ट यानी कि जो अडेप्शन है उसका जो फर्स्ट परस्पेक्टिव है वो क्या है कि अडेप्शन है जो उसे देखा जा सकता है एक फॉर्मल प्रोडक्ट में यानी कि अडेप्शन इज

ऑफ़ मीडियम यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर देना यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं अडेप्शन कहते हैं तो मीडियम किस तरीके से जैसे कि एक प्ले था उसे क्या है एक फिल्म बना दिया गया या फिर एक जैनर है एन एपिक टू स्टोरी यानी कि कोई भी शैली है उसे चेंज कर देना या फिर चेंज ऑफ अ टेक्सट कॉन्टेक्स्ट वे विद इन वेरियर ब्राइट पॉइंट ऑफ व्यू द इंटरप्रिटेशन डिफरेंट यानी कि कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप चेंज कर रहे हो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने डाल रहे हो जिसके कारण उसका जो इंटरप्रिटेशन यानी कि जो उसका मीन्स है वो क्या है डिफर यानी चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा अडेप्शन हो जाएगा दिस ट्रांस ट्रांसपोजिशन कैन ऑल्सो इंक्लूड अ शिफ्ट इन ऑन्थ्रोलॉजी फ्रॉम द रियल टू तो द इमेजनरी यानी कि इसमें क्या बात कही गई है कि जो ट्रांसपोजिशन यानी कि रियल रियलिटी से अगर आप कोई इमेजनरी क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या है कि अडेप्शन हो जाएगा फॉर इंटेंस इसमें क्या है एग्जाम्पल एक 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 दिया गया है इन दिस अटैम्प्ट प्ले यानी कि एक प्ले था नागमंडल चेंज मीडियम फ्रॉम टेक्सट टू द फिल्म ये क्या था कि इसमें फर्स्ट मीडियम था टेक्स्ट देन इसे चेंज कर दिया फिल्म स्क्रीन में यानी कि टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था उसे क्या है एक

Uh, the native of film adapted from Nag Mandal add on point of view of a Canadian immigrant girl suffering financially, physically, and साइकोलॉजिकली uh, यानी कि इसमें क्या दिखाई गया इस फिल्म में कि एक लड़की है कनेडियन जो कि क्या कर रही है कि सफरिंग यानी कि वो सफ़र कर रही है फाइनेंशियली भी साइकोलॉजिकली भी एंड फिजिकली भी यानी कि एक टेक्स्ट था एंड उसको बाद में क्या है एक फिल्म बना दिया गया जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है ये जब आप बुक में पढ़ोगे तो ये क्या है टेक्स्ट बट अब इसकी क्या है कि मैंने जब ये वीडियो बना दी गई है तो क्या हुआ इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया यही चीज है जो वो अडेपन कहलाती है इसके अलावा सेकेंडली जो सेकेंड जो परस्पेक्ट था उनका नरेटर का वो क्या कहती हैं उनका जो सेकंड विजन है अडेप्शन को लेकर वो कहती हैं कि जो अडेप्शन क्या है एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन यानी कि किसी चीज़ को क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं अडेप्शन क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को एक फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है तो ये क्या है अडेप्शन है द एक्ट ऑफ अडेप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व बोथ तो ये जो एक्ट है अडेप्शन का किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना इसमें हमेशा दो चीज़ जें होती हैं एक इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका मीन्स एंड देन क्रिएशन यानी कि पहले हम उसके मीन्स को समझते हैं बाद में हम उसके मीन्स में कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा री इंटरप्रिटेशन हो जाएगा एंड देन रिक्रिएशन यानी कि वो क्या है यानी कि जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे तब हम तब हम क्या कर रहे हैं उसे रिक्रिएट कर रहे हैं दिस हैज बिन कॉल्ड यानी कि इसे हम कह सकते हैं बोथ अप्रोप्रिएशन एंड सेल्विंग इसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक और थ्योरी ऑफ एडेप्शन यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है ये थ्योरी ऑफ एडेप्शन का इसमें जो लिंड हेटकन हट, है वो क्या कहती हैं इस कॉल दिग बिगनिंग ऑफ थ्योरिस्ट अडेप्शन यानी कि इसमें सबसे पहले क्या है अडेप्शन के बारे में बताया गया है कि जो नरेटर है वो लुक एज एट अडेप एज सेकेंडली वर्क फ्रॉम द ओरिजिनल तो यहाँ पर जो जनरेटर है वो क्या देखती हैं कि अडेप्शन क्या है कि जो ओरिजिनल वर्क है उसका क्या है सेकेंडली वर्क है यानी कि एक चीज जो कि ओरिजिनल है बट जब हम उसके फॉर्म को चेंज कर देंगे तो वो क्या है एक सेकेंड वर्क बन जाता है तो यहाँ पर जो रेटर है वो क्या कहती हैं वैन वी कॉल अ वर्क और एन अडेप्शन कि हम किस काम को अडेप्शन करेंगे वैन वी ओपनली अनाउंस इट्स ओवर्थ रिलेशनशिप टू द अनदर वर्क और वर्कस यानी कि जब हम ये अनाउंस करते हैं कि जो हमने चीज़ रिक्रिएट की है उसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है यानी कि मेन जो बात थी ठीक है जिस चीज़ के ऊपर बेस के ऊपर आपने उस यानी कि एक नई रिक्रिएट की है जिसे आपने अडेप्ट किया है तो उसके रिलेशनशिप को जब आप बता दोगे तो वो क्या हो जाएगी अडेप्शन तो अडेप्शन आर यूनिवर्सल एंड रिपीटेड विद वेरिएशन कंस्टेंटली जो अडेप्शन है वो क्या है यूनिवर्सल होता है एंड इसको काफ़ी बार रिपीट किया जा सकता है विद वेरिएशन कंस्टेंटली और इसे लगातार क्या है रिपीट भी किया जा सकता है जैसे कि आपने वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एंड जो सेकेंड फॉर्म है उसको क्या है आप एक थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो थर्ड मीडियम में चेंज कर रहे हो तो ये क्या है अडेप्शन है एंड ये बार बार क्या है रिपीट भी हो रहा है इसमें क्या है कि जब आप इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो तो इसमें आप कुछ चेंजेस लेकर आते हो ठीक है इसके बाद जो हैडकन है वो क्या कहती हैं बिलीव्स दैट वो बिलीव करती हैं एक सेकेंड बिलीव दैट बिकॉज एडप्शन आर रिपीटेड वो इस बात में क्यों बिलीव करती हैं क्योंकि क्यों उन्हें लगता है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार हम रिपीट करेंगे विद वेरिएशन इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर स्टे इंटरेस्टेड कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा क्या है इंटरेस्टेड रहता है बिकॉज द स्टोरी बिकेम सो वेल नोन क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उसकी स्टोरी होती है वो उससे और ज़्यादा वेल नोन अच्छे से समझने लग जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ये जो द थ्योरी ऑफ एडेप्शन ये जो टेक्स्ट है जब आप इसे बुक में देखते हैं देन आप इसकी मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को बताया हुआ है एंड इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट वीडियो ओनली हिंदी में बनाती हूँ तो जैसे इसमें क्या है कि एक फॉर्म से टेक्स्ट था उसके बाद वीडियो बनी उसमें जो वीडियो है उससे भी मैंने एक नया मीडियम बना दिया तो वन मीडियम टू सेकेंड सेकेंड टू थर्ड मीडियम है ना तो इस तरीके से क्या है मीडियम चेंज हो रहे हैं बट जो स्टोरी है वो तो क्या है सेम है जिसके कारण आप उसे क्या है अच्छे तरीके के से वेल नोन होने लग जाओगे और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है बना हुआ रहेगा तो इसी के बारे में जो नरेटर है वो बताती हैं इसके बाद कहा गया है फाइनेंशियली इट इज बेटर टू प्रोड्यूस एन एडेप फ्रॉम एन ओरिजिनल वर्क कि इसमें क्या कहा गया है कि सबसे अच्छी चीज़ अडेप्शन की क्या है कि हमें हमेशा ओरिजिनल वर्क से ही यानी कि अडेप्ट चाहिए कि जब हम किसी एक चीज़ को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो वाली जो चीज़ है वो क्या है ओरिजिनल वर्क ही होनी चाहिए और वो ओरिजिनल ही क्यों होनी चाहिए कि ओरिजिनल को ही हम सेकेंड में क्यों चेंज करें क्योंकि इससे क्या होता है जो ओरिजिनल वर्क ऑलरेडी हैड ऑलरेडी प्रोवन इट्स सक्सेसफुल क्योंकि जो चीज़ को हम चेंज करें हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है तभी हम क्या है उसके मीडियम को चेंज हैं जिससे क्या है कि वो जो नेक्स्ट मीडियम होगा वो भी क्या है सक्सेसफुल हो जाएगा

से हम जो चीजें हैं उसे अडेप्टेड करें इसके बाद बताया गया है द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन कि अडप्शन की क्या प्रोसेस है तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो इस चैप्टर में दी गई है इसके बाद यहाँ पर बताया गया था द लिटर मरमेड वाज मैंशन इन दिस चैप्टर तो इस चैप्टर में लिटर मरमेड के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर हेड कन टॉक अबाउट हाउ एडिसन द लिटल मरमेड वॉज अडेप्टड इन टू अ म्यूजिकल तो किस तरीके से जो द लिटर मरमेड्स है उसको क्या है म्यूजिकली चेंज किया गया है अडेप्ट किया गया है जिसके कारण जो म्यूजिकली एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं टेल द स्टोरी तो वो हमें क्या है स्टोरी के बारे में बताते आते हैं एंड डिस्प्ले द थीम्स और उसके साथ ही हमें थीम्स के बारे में पता चलता है एंड डिफरेंट इमोशंस और कुछ डिफरेंट इमोशंस के बारे में पता चलता है अगर आप किसी चीज को टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको वो इमोशन इतने नहीं पता चलेंगे देन आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ और ज्यादा इमोशंस पता चलेंगे तो क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी कोई चीज चेंज होती है तो कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती जाती हैं इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर नेटर है हैज सम वेरी गुड पॉइंट्स दैट शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर तो काफ़ी सारे गुड पॉइंट्स वो बताती हैं जैसे कि देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ अडेप्शन की जो अडेपन है उसकी बहुत सारी क्या है फॉर्म्स होती हैं इच प्रोड्यूसर विल अडेप्ट एंड ओरिजिनल टेक्स्ट इन देअर ऑन यूनिक वे कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो क्या है कि किसी भी चीज़ को फिट इन करता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर जाता है तो वो एक यूनिक वे में लेकर जाता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसे क्या है वो अपने एक अलग वे में लेकर जाता है क्यों क्योंकि सभी की जो थिंकिंग होती है वो सेम नहीं होती है तो सभी डिफरेंट सोचते हैं तो एक यूनिक थिंकिंग के कारण वो क्या है किसी भी चीज़ को यूनिक वे में अडाप्ट करता है दे यूज़ द सेम टूल देट यानी कि वो सेम टूल का यूज़ करता है स्टोरी टैलर ऑलवेज हेज़ यूज जो कि स्टोरी uh, टैलर हमेशा यूज़ करते हैं दे एक्चुलाइज और कॉन्स्ट्राइज आइडियाज़ तो वो देखते हैं पहले आइडियाज़ को देन दे मेक सिंप्लीफिक सिम्प्लीफाइंग सेलेक्शन उसके बाद उस चीज़ में सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ डालनी है कौन सी नहीं डालनी है किस तरीके से डालनी है कोई चीज़ हार्ड है तो उसे किस तरीके से सिम्पल बनाकर डालना है कौन से इमोशंस चेंज करते हैं तो वो सब पहले देखते हैं बट आल्सो इम्पला इम्प्लीफाई एंड एक्स्ट्रा प्लॉटेड इसके साथ ही वो क्या है कुछ एक्स्ट्रा प्लॉटेड भी डालते हैं दे मेक एनालोजिस इसके बाद वो एनालिस भी करते हैं एंड इसके बाद देन दे शो देर रिस्पेक्ट एंड सो ऑन और वो अपने यानी कि जब वो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में चेंज करते हैं तो उस यानी कि उसके प्रति जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनकी जो रिस्पेक्ट होती है उसे भी वो शो करते हैं प्रोड्यूसर कैन चेंज द स्टोरी टू फिट द न्यू जैनर यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो चेंज कर सकते हैं स्टोरी को इससे यानी कि एक न्यू जैनर एक नई शैली से और पुट और न्यू ट्विस्ट इसके साथ ही वो क्या है कि स्टोरी में एक नया ट्विस्ट भी डाल सकता है विल कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड जिससे कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड हो जाएगी यानी कि अगर आप किसी स्टोरी को एक बार सुनोगे आपको इंटरेस्ट आएगा सेकेंड टाइम सुनोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा इंटरेस्टेड एंड थर्ड टाइम सुनोगे तो शायद इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो स्टोरी में कुछ चेंजेस ले आते हैं कुछ नए ट्विस्ट ले आते हैं जिसके कारण जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे तो यहाँ पर जो रेटर है वो एक्सप्लेन करती है द एलिमेंट्स एलिमेंट्स को दैट शुड बी अडेप्टेड कि कौन सी चीज़ें हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जिसे अडेप्टेड किया जाना चाहिए फॉर इंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर शी स्टेट दैट वो कहती हैं द थीम्स आर इजी टू बी एडेप्टड यानी कि जो थीम्स है उसे हम ईजिली अडेप्टेड कर सकते हैं अक्रॉस दर डिफरेंट जेनर कि यानी कि एक डिफरेंट जेनर के अकॉर्डिंग क्या है हम जो थीम्स है उसे अडेप्टड कर सकते हैं यानी कि वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं करैक्टर्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड क्योंकि जो करैक्टर हैं उन्हें भी हम ईजिली ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं बिकॉज दे आर सच बिग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क क्योंकि वो जो ओरिजिनल वर्क का क्या है एक बिग पार्ट होते हैं द एंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ द द्शन कैन बी टोटली यानी कि जो मेन एंडिंग है कंक्लूजन है अडेप्शन का टोटली इसके लिखा हुआ है चेंजिंग द एंडिंग कैन रियली सेट अ पार्ट दिन मेकिंग इट वेरी डिस्टिंक्टिव यानी कि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उससे क्या है एक स्पेशलिटी आती है निकल कर अनदर गुड पॉइंट मेड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन यानी कि इसका एक नेक्स्ट गुड पॉइंट क्या है कि इससे क्या होता है कि जो अडेप्टर टेक ऑन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अडेप्टर होता है उसके ऊपर क्या है एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है तो जो वो फर्स्ट फॉर्म होता है जो ओरिजिनल वर्क होता है उसके जो यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंस है उसको भी उसे बनाए रखना होता है

तो जो रेटर है वो क्या सोचती हैं उनको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अडेप्ट जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर रहा है एक मीडियम को सेकंड मीडियम में चेंज कर रहा है सबसे पहले उसे ओरिजिनल वर्क को लेना चाहिए देन उसे ब्रेक इट डाउन उसे तोड़ना चाहिए उसके मीन्स को समझना चाहिए दे नीड टू इंटरप्रेट द वर्क यानी कि उसे वर्क के जो मीन्स है उसको समझना चाहिए एंड अंडरस्टैंड वॉट रियली इज़ गोइंग ऑन और उसमें उसको समझना चाहिए कि इसमें क्या मेन बात बताई गई है क्या चीज़ रियली really? चल रही है आफ्टर द इंटरप्रिटेशन द अडेप्टर और जब उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी देन द अडेप्टर कैन स्टार्ट बिंग क्रिएटिव उसके बाद उसे क्रिएट करना चाहिए यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से पहले क्या है हमें उस चीज़ के बारे में उसके बारे में क्या है पहले जानकारी होनी चाहिए मीन्स कि जैसे मैं अगर आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ द थ्योरी ऑफ अडेप्शन तो सबसे पहले मुझे खुद को पता होना चाहिए कि अडेप्शन का क्या मीन्स होता है मैं पहले इसके अर्थ को समझूंगी देन मैं आपको करवाऊंगी देन उसमें मैं कुछ नई चीज़ें के हैं क्रिएट करूँगी तो जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ तो सबसे पहले मैंने इसके मीन्स को समझा कि अडेप्शन क्या होता है देन मैं उसमें यानी कि ये जो एग्ज़ाम्पल न्यू डाल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो ये वाली जो चीज़ है इसे ही क्या कहते हैं क्रिएटिविटी एंड थिंक ऑफ हाउ मेक देयर अडेप्शन डिफरेंट फ्रॉम अनदर और किस तरीके से जो भी चीज़ यानी कि एक मीडियम से जब आप सेकेंड मीडियम में चेंज करे हो तो किस तरीके से एक जो सेकेंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम से डिफरेंट होगा दिस इज द अबेन्डेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अब अडेप्शन तो यही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अडेप्शन in के बारे में इसमें बताया गया है इट वॉज़ हार्ड या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है टू पुट ऑल द ग्रेट पॉइंट बट व स्टार्टेड इन द फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड होता है कि इतनी सारी जो पॉइंट आउट करना बातों को तो अडेप्शन के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि अडेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है कौन सी चीज़ को अडेप्टना चाहिए उसका प्रोसेस क्या है तो आई होप आपको अडेप्शन का मीन समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू